शुद्ध शहद की पहचान क्या है? आजकल खूब प्रचलन में है ना फ्लेवर्ड जिंजर हनी, मतलब साइंटिफिक बी कीपिंग ये हुई फ्रेम के अंदर जो है। मैं हम कैसे समझें कि ये वाला शहद हम यूज कर सकते हैं या एक्सपायरी हो गया है? अच्छा, क्या क्या असली शहद जमता है? आप आगे चलिए, कुछ होगा इनका अभी फिल्टर। तो ये हमारा यहाँ का म्यूजियम है जोलीकोट में, राजकीय मौन पालन केंद्र में। तो ये जो है विभिन्न यहाँ पे आकृतियाँ बनी हुई हैं और ये मौन से संबंधित है। जैसे पहला ये है मौन की भारी आकृति मॉर्फोलॉजी है, तो इसमें तीन हिस्से में बटी होती है मक्खी, जैसे कि और कीट होते हैं। पहला हेड होता है, फिर थोरेक्स, फिर एब्डोमेन। ठीक है, हेड होता है, फिर थोरेक्स। थोरेक्स में इसके पैर होते हैं, इसके पंख होते हैं, छह पैर होते हैं इसके, और टू पैर वो जो होते हैं पंखों के होते हैं। एब्डोमन होता है जहाँ पे, जिसमें कि आखिरी हिस्सा जो होता है अंडे देने के लिए एक होता है, और यहीं पे इसका स्टिंगिंग ऑर्गन होता है जिससे कि ये अपना जहर छोड़ती है अपने बचाव के लिए। और दूसरी ये अगर हम प्रजातियों की बात करें, जैसे कि सर ने भी बताया था, आपको नोट भी कराया था, तो यहाँ पे सबसे मुख्य जो पर्वतीय क्षेत्रों में जो प्रजाति पाई जाती है वो ये है, एपिस सिराना इंडिका। ठीक है, फिर ये दूसरे ये जंगली है जो सर ने बताई थी आपको, एपिस डॉर्सेटा, और एक एपिस फ्लोरिया, ये भी भारी रहती है। और एक आपको बताई थी कि वेस्टर्न हनी भी है जो इटली से यहाँ से लाई, इटली से लाई गई है हमारे देश में, उसका नाम है एपिस मेलिफेरा, जिसका प्रोडक्शन सबसे ज़्यादा है और उसको हम इन बॉक्सेस में कर सकते हैं। ठीक है, तो उसके बाद हम आ जाए कि ये भारी रचना है जिसके बारे में बताया आपको, ये बिल्कुल अगर इनकी पूरी आकृति देखे जाए तो जो उसके पैर होते हैं, विंग्स होते हैं, उनके भी और पार्ट्स होते हैं। ठीक है, तो सबसे अहम पार्ट अगर पैरों में, तो सबसे पिछले वाले, पिछला वाला जो जोड़ा होता है, मतलब पेयर होता है हाइंड लेग, उसमें पॉलन बास्केट होती है। तो पॉलन को लाने का तरीका जो है वो है पॉलन बास्केट के थ्रू लेके आना, पिछले बास्केट से लेके आना। हाँ, उसके अंदर एक शेप बनी होती है पीछे, पिछले दो पैरों में उसकी शेप होती है बास्केट जैसी। तो सबसे पहले क्या करती है मक्खी, जैसी फूल पे जाती नहीं, है वो माउथ अपने मुंह से नहीं उठाती। हाँ, वही मैं बता रहा हूँ। सबसे पहले जब वो फूल पे जाती है, तो जैसी जैसे कि फूल में जब डेसेंस होता है, एंथर डेसेंस होता है, तो उस टाइम पे पोलन वो होते हैं, लिबरेट होते हैं। तो बहुत सारे जब पोलन लिबरेट होते हैं, तो हर फसल का अलग अलग टाइमिंग है वो भी, ठीक, कौन से टाइम में, सुबह में होती है, किसी दिन में होती है, किसी शाम में होता है, फूल के हिसाब से। तो जब वो जाती है उसके ऊपर, तो सबसे पहले वो क्या करती है कि अपनी जो बॉडी का हिस्सा होता है आगे का, उसको अपने आगे के पैरों से इकट्ठा करती है, जो बिल्कुल पाउडर टाइप का होता है उस टाइम पे। वो पहले वो पैलेट नहीं होता, पैलेट वो बाद में बनता है, तो पहले वो पाउडर पूरा पूरे शरीर से, जिसके हेयर्स होते हैं उन पे से इकट्ठा करती है अपने आगे वाले पैरों से। फिर उसमें अपने थोड़ा नेक्टर मिलाती है मुँह से, तो उसको कंसोलिडेट कर देती है थोड़ा सा। फिर वो बीच वाले पैरों पे पास जाता है, वो पैलेट हल्का सा, फिर वो बीच वाले जो बॉडी पार्ट है मक्खी का, वहाँ से इकट्ठा करता है, फिर वो हैंड लेग में दे देता है। फिर वो जो हाइंड लेग में इकट्ठा लेके आती है, तो हम यहाँ पे एंट्रेंस पे ये पा देते हैं यहाँ पे, तो हाँ यहाँ पे एक पॉलन ट्रैप लगा देते हैं। जैसे ही उसमें एंटर करती है, तो उसका पिछला हाइंड लेग जो होता है उसमें घिसता है, और पॉलन ट्रैप में पॉलन इकट्ठा हो जाता है, अगर हमें पॉलन इकट्ठा करना है तो। वैसे सर ने बताया पॉलन जो होता है रानी मक्खियों के लिए और वंश बढ़ाने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत ज्यादा प्रोटीन का सोर्स है। पिछली टांग जिसकी मैंने आपको बात बताई, देखो शेप दिख रही होगी आपको, बहुत अच्छी, कितना अच्छा बना हुआ है ये। इसका जीवन चक्र है मधुमक्खी का, ठीक है, चार स्टेज होती है, एग, लार्वा, प्यूपा और एडल्ट। ठीक है, टोटल कितना सर, मतलब कितने वीक्स या कितने ऐसा रहता है कि उसमें, जैसे बताया ना कि जो रानी होती है 16 दिन में हो जाती है, इमर्ज हो जाती है, 21 दिन में आपकी ड्रोन हो जाता है, 24 दिन में वो हो जाता है इमर्ज, क्या बोलते हैं, वर्कर्स। ठीक है सर, जो ये नीचे दिया है 2+3 ये होगा ना, 4+8 ये फोटोज के नंबर डाल रहे हैं, 2+3 पर के लिए और के नंबर 1 जो है वो एग। हम अगर आ जाएं, ये क्या है, ये भी वही है, ये अंदर के जो एनाटॉमी गए हैं अगर हम, तो मैंने जिस तरह आपको बताया माउथ पार्ट के बारे में बताया, कि जब वो, सर ने भी बताया था आपको, जो नेक्टर होता है वो कार्बोहाइड्रेट का सोर्स है और पोलन प्रोटीन का सोर्स है। तो जो नेक्टर है वो नेक्टर हनी में कैसे कन्वर्ट होता है, उसका उसे जानना भी बहुत अहम है, क्योंकि ऐसा होता है कि
कि जब वो नेक्टर इकट्ठे करके लाती है फूलों से, तो उसके वो क्या करती है, अपने मुंह में रखती है उसको, ठीक है, तब तक वो अपने मुंह में रखती है, फिर उसके बाद वो क्या करती है, उसके एंजाइम होता है मुंह में, ठीक है, प्रोबोसिस से नेक्टर लेके आती है, उसके मुंह में एक एंजाइम होता है, उसका नाम इन्वर्टेज होता है, वो उस फॉर्म को, कार्बोहाइड्रेट फॉर्म को इन्वर्टेज की मदद से फ्रुक्टोज और माल्टोज में तोड़ देती है, मतलब सुक्रोज को फ्रुक्टोज और माल्टोज में तोड़ देती है, डाइसैक्राइड जो शुगर है उसको मोनोसैक्राइड में चेंज कर देती है। तो ये वाला जो पार्ट है आगे वाला, अगर हम बात करें हेड वाला, तो माउथ पार्ट भी इसका इसमें ही रहता है। फिर उसके बाद ये क्या करती है, ये उसको अपने मिड गट तक रखती है, उसको पूरा डाइजेस्ट नहीं करती, फिर वापस जाती है, उसको उल्टी कर देती है छत्तों में, रिगर्जिटेट करती है, ठीक है, मतलब रिगर्जिटेशन बोलते हैं वैसे मेरे जीवन को। फिर ये मौन मधुमक्खी की संभोग, ठीक है, ये क्या होता है कि मक्खी सबसे पहले, जैसी क्वीन इमर्ज होती है तो वो सबसे पहले देख के आती है बाहर कि वहां का, मतलब बाहर का एक तरीके का मॉनिटरिंग वाला वो होता है, फ्लाइट होता है उसका। फिर दूसरी फ्लाइट जो होती है रानी मक्खी की, उसके जीवन चक्र की सबसे पहली और दूसरी के बारे में बता रहा हूँ, दूसरी जो फ्लाइट होती है उसमें वो 6-7 ग्रुप होते हैं ड्रोन्स के, नरों के, तो उनमें बेस्ट सेलेक्ट करती है, फिर उसके साथ मीटिंग करती है। फिर उसमें क्या होता है, वो तब तक मीटिंग करती है जब उसका ये पिछला वाला पार्ट जो होता है स्पर्मेथी का, ये लास्ट पार्ट जो होता है, ये पूरा फुल ना हो जाए, अच्छा, जिसमें कि उसके जितने भी स्पर्म्स हैं मेल्स के वो इकट्ठे हो जाते हैं। फिर वो क्या करती है, वो जाती सीधा एकदम एग देने लग जाती, फिर वो कभी दोबारा उसको जरूरत नहीं पड़ती है मीटिंग की, वो इतने एक पूरे अपने जीवन में इतने सारे पूरा इतने सारे एग इकट्ठे करके रखती है, मगर वो अभी उनको फर्टिलाइज भी नहीं कर रही है अंदर, फर्टिलाइज वो अपने हिसाब से करती है। जैसे कि मैंने बताया आपको, इसमें एक ड्रोन होता है और एक वर्कर होते हैं, वर्कर फीमेल होती हैं और ड्रोन जो ड्रोन है मेल, वो मेल होता है, वो कोई काम नहीं करता, वो कोई काम नहीं करता, जरूरत भी नहीं होती उनको ज्यादा। हाँ, तो फीमेल जो रानी मक्खी है वो अपने, वो क्या करती है, जो ड्रोन जब तैयार करती है तो उन अपने अंडों को, जिस अंडे से जो ड्रोन बनता है उसको फर्टिलाइज नहीं करती है, मतलब हैप्लॉइड होता है, अगर साइंस के टीचर हो तो उन्हें हैप्लॉइड डिप्लॉइड बताओ, मतलब वो सेफगार्ड में रखती है, मतलब उसको फर्टिलाइज, स्पर्म से फर्टिलाइज नहीं हुआ, वो खाली जो है एग ऐसी, वो सिर्फ फीमेल को फर्टिलाइज करेगी, मतलब मेल वाले उनको छोड़ देगी। हाँ, जो जब वो फीमेल बनाएगी तभी फर्टिलाइज करेगी, और जो मेल वाले अंडे उनको स्पर्म अपने स्पर्मेथिका में तभी यूज करेगी, खाली वर्कर्स के लिए, मेल फ्यूचर की रिक्वायरमेंट। इसका मतलब वो पहचानती है अपने, हाँ, उसके स्टमक में क्या होता है, कंस्ट्रिक्शन होता है, जब उसको फर्टिलाइज करना होता है फीमेल के वर्कर्स के, तब वो खुद बाहर हो जाता है, मतलब इतना ज्यादा उसका मैनेजमेंट है, इसलिए कहते हैं कि वर्कर ही डिसाइड करते हैं कि अब क्या काम करना है रानी को, वही सेल बनाएंगे, फिर वर्कर बनाने तो वर्कर के सेल्स बना देंगे, तो वो वही अंडा देगी, मतलब अपनी जो मैंने बताया आपको, वही फर्टिलाइजेशन वाला प्रोसेस करके। तो इस पे आगे आ जाते हैं, अगर इसमें चले जाते रहे तो इसमें एक में इतना बोल सकते हैं बहुत ज्यादा डिग्री हो जाएगा, तो मैं आपको इंडियनली बताता हूँ, ठीक है जी जी। जो मेन है ना रानी, ये आ गई फिर रानी, तो रानी की आयु बहुत ज्यादा होती है, और उसे वो लगभग 2-1.5 साल जी जाती है अगर उसे अच्छा मैनेज किया जाए। तो ये इस पे आ जाए फिर मोन कमेरी के प्रमुख अंग, ये हो गया सब डाइजेशन वगैरह, मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा ये बॉक्स के बारे में बताइए। तो रानी मक्खी की पहचान, रानी मक्खी की पहचान ये है कि सबसे पहले वो साइज में बड़ी होती है और उसके पीछे सारे लोग रहते हैं, और दूसरी चीज ये है जब रानी मक्खी, एक तो वो बड़ी होती है दिखने में, और वो हमेशा मतलब 24 घंटे काम करती रहती है, वो पूरा मॉनिटर करती है कि मेरे जो छत्ता है, मेरे जो हाइव है, सब वर्कर काम सही से कर रहे हैं, कोई उसमें ऐसा तो नहीं है कि उसके अंडे वगैरह या कोई ऐसी चीज है जो कि मतलब नहीं हो पा रही, पूरी देखरेख करती है 24 घंटे, 24 घंटे काम करती है वो, ठीक है। साइज में बहुत बड़ी होती है, आप अलग से पहचान लो, थोड़ा फीडिंग का वो थोड़ा अलग होगा, खाना भी उसको थोड़ा, खाना वो रॉयल जेली खाती है, ये रॉयल जेली खाती है वो, ठीक है। डब्बों के बारे में बता देता हूँ मैं, तो ये क्या करते हैं, 16 दिन तक की जो मक्खियाँ होती हैं, श्रमिक मक्खियाँ जो होती है 16 दिन की, वो बनाती हैं रॉयल जेली है। जैसे बाकी जो है ड्रोन और वर्कर हैं, उन्हें 3 दिन तक या 2 दिन तक खिलाया जाता है रॉयल जेली, फिर उनका बंद कर देते हैं जो बच्चे रहते हैं, मगर रानी पूरे जीवन चक्र में तैयार जब तक होती है। ये नेचुरल है या नेचुरल है, बता करो, श्रमिक मक्खियाँ बनाती है, और ये तभी बनता है जब पॉलन का सोर्स बहुत हो,
आपके आसपास जितना भी यहाँ पे आपने डब्बे रखे हैं वहाँ पॉलन बहुत मिल रहा है, तभी ये तैयार कर पाती हैं वर्कर्स। तो क्या करती हैं, रानी को खिलाई जाती है जीवन भर, और सबका तो एक दो दिन में बंद हो जाता है, वो पूरा खाती है जब तक डब्बा नहीं भरता। डिसाइड करते हैं कि कौन इसको खिलाया जाए, इसको कितना दिया जाए। हाँ, ये वर्कर्स रानी के लिए, रानी पूरा इतना दो साल जी रही है, इसलिए तो जी रही है, वो रॉयल जेली खाती है, वो स्पेशल वर्कर उसी के लिए बनाते हैं, इसीलिए रानी भी है वो। ये रानी है बॉक्स की जानकारी। जैसे ये पुराना, सबसे पुराना डिजाइन है, ये बास्केट हाइव है, ये यूवर हाइव है, दो साइंटिस्ट थे ये, मतलब हस्बैंड वाइफ थे यूवर नाम के, उन्होंने बनाया था। इसमें क्या था कि ये खुल जाता है ऐसे, ऐसे वाला खुलता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है कि ये थोड़ा बनाया तो इस तरीके से था, मगर कई बार ऐसा होता है हमें पूरे उसको फ्रेम को निकालना पड़ जाता है। जैसे मूवेबल हाइव का जो सिस्टम आया है वो लैंगस्टॉक ने दिया है सबसे पहले, ठीक है, और सिराना के मामले में न्यूटन ने दिया है, मगर हमारे पहाड़ी क्षेत्र में हम लोग बहुत भाग्यशाली हैं। जैसे राजेंद्रनाथ मुट्ठू जी का नाम बताया, उन्होंने एक ज्योली कोट हाइव भी तैयार कर रखा है, तो वो ज्योली कोट हाइव उधर रखा हुआ है, अभी देखिए वो भी दिखा देंगे हम, ठीक है। बाकी न्यूटन हाइव भी सिराना के लिए होता है, ज्योली कोट हाइव भी सिराना के लिए होता है। न्यूटन हाइव जो है, लैंगस्टॉक हाइव जो है वो उसके लिए है, मैलीफेरा के लिए। हाँ, मूवेबल, ये मतलब साइंटिफिक बी कीपिंग जब आई मतलब दुनिया के अंदर, तो ये वाला सिस्टम आया मूवेबल हाइव। पहले क्या होता था कि छत्ता ऐसी दीवार पे लगाया, काट दिया, अब ये इसको आप फ्रेम को निकाल सकते हो, मतलब ये मूव कर सकते हो जी, चेक कर सकते हो, मॉनिटर कर सकते हो। वर्तमान में प्रचलन में ये होगा, वर्तमान में प्रचलन, हाँ वर्तमान में प्रचलन यही है। जैसे पहाड़ में करते जरूर है, दीवार में करते हैं और ये ढाड़े वगैरह में करते हैं, मगर साइंटिफिक बी कीपिंग ये हुई फ्रेम के अंदर जो है, राजेंद्र नाथ मुट्ठू जी के द्वारा ही यहाँ पर एक हाइव यानी कि छत्ता बी कीपिंग का एक बॉक्स तैयार किया गया है, जो सैंपल है हमारे पास इस तरह यहाँ पर दिया गया है। सर मेरा सवाल है कि ये शुद्ध शहद की पहचान क्या है? शुद्ध शहद की पहचान, वैसे उसके और बहुत वैसे तरीके हैं, मतलब जो एक्सपीरियंस से आते हैं कि मतलब कई लोग ऐसे चेक करते हैं कि भाई उसमें मिठास बहुत ही ज़्यादा है, तो ये है कि उसमें सुक्रोज ज़्यादा है। अच्छा, चेक करके जैसे वो जो वो जिसने हनी खाया है, टेस्ट करा है, उसको पता है कि हनी के अंदर कितनी लगभग मिठास होती है। एक तो सिंपल तरीका है, मैं ऐसा नहीं कह रहा कि वो साइंटिफिक तरीका है, साइंटिफिक तरीका तो लैब टेस्टिंग से होता है, ठीक है। उसके बहुत सारे ऐसे पैरामीटर्स हैं जो टेस्ट करने पड़ते हैं, जैसे सुक्रोज हो गया, आपको टेस्ट करना पड़ेगा, आप में ये पता करना पड़ेगा, अगर कोई कह रहा है ये जामुन का शहद है तो आपको उसके पॉलन चेक करने पड़ेंगे उसमें माइक्रोस्कोप में। अच्छा, क्या असली शहद जमता है? असली वही मैं कह रहा हूँ आपको ना, कि वो जमना कोई गलत चीज नहीं है, लोग ने भ्रांतियां बना रखी है कि जमना गलत है, सरसों का शहद रहता है तो वो जमता है कई बार, क्योंकि उसमें फ्रुक्टोज ग्लूकोज रेशियो ज्यादा रहता है। अच्छा अच्छा, मतलब ये जो सुक्रोज होती है, अगर वो वाला सुक्रोज जो होती है बाद में टूटती है फ्रुक्टोज और माल्टोज में, और जो फ्रुक्टोज और ग्लूकोज का रेशियो ज्यादा बढ़ जाता है उसमें, मतलब उसको ऐसा फ्लोरा मिला जिसमें फ्रुक्टोज और ग्लूकोज ज्यादा था, मतलब रेशियो, ठीक है, तो डेढ़ से ज्यादा अगर रेशियो है, 1.5 से ज्यादा, तो ज्यादातर जमता है शायद, ऐसा माना जाता है साइंटिफिकली। आजकल बहुत सारे फ्लेवर्ड हनी आ रहे हैं ना, हाँ। तो उनमें तो फिर सबका पता लगाने का अलग अलग होगा, क्योंकि जैसे जामुन का है या लीची का है, हर किसी में फ्रुक्टोज और नहीं, वो फ्लेवर्ड हनी तो अलग चीज है, वो इन्फ्यूज है, मतलब उसमें क्या किया है शायद तो किसी और चीज का है, सरसों का है, जिस चीज का, उसमें अगर हम उनको लेमन इन्फ्यूज हनी बोल रहे हैं जैसे आप फ्लेवर बोल रहे हो ना, तो उसमें वो नींबू मिला देते हैं, तो फ्लेवर नींबू का रहा है, मगर वो शहद नींबू का नहीं है। वही ना, कि जैसे वो कहते हैं कि आजकल खूब प्रचलन में है ना फ्लेवर जिंजर हनी, शहद तो इन्फ्यूज, मतलब होता है जामुन का शहद होता है, मगर आप फ्लेवर बोल रहे हो इन्फ्यूज हनी अलग चीज है। अच्छा, फ्लोरा, फ्लोरा, फ्लोरा की बात कर रहे हैं, अच्छा, कि हम उनको एप्पल के ऑर्चर्ड में रख दिया, हाँ, अभी जामुन के ऑर्चर्ड, ऐसा होता है कि शहद की भी कैटेगरी है, एक होता है शहद की कैटेगरी होती है, एक होता है मोनोफ्लोरल हनी और एक होता है मल्टीफ्लोरल हनी। तो मोनोफ्लोरल वो शहद होता है जिसमें कम से कम 45% एक तरीके का पॉलन हो, मिनिमम काउंट 45% होनी चाहिए, ठीक है, एक तरीके की पॉलन की। और मल्टीफ्लोरा ये है कि उसमें किसी भी की भी 45 नहीं है और सबके मिक्स हैं, बहुत सारे पॉलन हैं उसमें, बहुत तरीके के। मेरे घर पे बिजनेस मार्केट भी है यहाँ पे, जो यहाँ जो शहद प्रोडक्ट होता है मार्केट में जाता है कमर्शियल प्रोडक्ट यहाँ पे,
लोकल सेल होती है, लोकल सेल होती है, क्योंकि हमारा खुद है यहाँ पे स्मेली फेरा का प्रोडक्शन। अच्छा, ये कौन है? ये वैसे ये जैसे सबने बताया ना, इनका इनका यही योगदान है कि ये डब्बा जो जोलीकोट हाइव इन्हीं के द्वारा तैयार किया गया है। और यहाँ पे जो एसोसिएशन है कि मतलब जितने बी कीपर्स हैं, पहले जो अंग्रेजों के टाइम से बहुत बी कीपर थे, तो उनको सबको इकट्ठा करना और उनको साइंटिफिक लेवल पे लेके आना बी कीपिंग को। मतलब उन्होंने उस टाइम पे इतने अच्छे रिसर्च पेपर पब्लिश किए हैं यहाँ पे काम करके कि शायद अभी भी कोई नहीं कर पा रहा उनका काम है। वो हमारे मगर ये माना गया कि हमारी पर्वतीय जो है उसका साइज बड़ा है। सर, जो मैं पूछ रही थी आपसे, जो ये कलर चेंजिंग होता है शहद का जब हम खरीदते हैं, तो वो लाइट येलो में रहता है और कुछ दिन रखने के बाद वो इस तरह से चेंज हो जाता है, जैसे ये दिखाई दे रहा है, कभी कभी मरून भी दिखाई देता है, तो उसमें हम कैसे समझें कि ये वाला शहद हम यूज कर सकते हैं या एक्सपायरी हो गया है? मैम, वैसे शहद की कोई एक्सपायरी डेट नहीं होती जैसा कि मैंने आपको बताया। और इसका कलर कई बार जो होता है, जो इसका बॉटनिकल ओरिजिन है उसके ऊपर भी डिपेंड करता है कि शहद किस चीज़ का है, तो इसलिए वो कलर वेरिएशन आता है। और दूसरी बात यह है कि अगर इसको हमने सही कंडीशन में स्टोर नहीं किया है, तो इसमें एक केमिकल होता है HMF, जिसका हमारे देश के अंदर स्टैंडर्ड बनाया गया है 80 मिलीग्राम पर केजी, मतलब एक किलो शहद में 80 मिलीग्राम से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो अगर इससे ज़्यादा होगा, ज़्यादा ही मात्रा में बढ़ जाएगा, तो ये जहर का रूप भी ले सकता है। तो इसलिए SSI ने इसको रखा है 80 मिलीग्राम पर केजी रखा है और एक साल इसकी एक्सपायरी डेट रखी है। गर्म पानी से जिसको नहा